एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स ब्यूटी विद वॉबी। और आज मैं आपके साथ एक सीट मास्क का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले, सीट मास्क होता क्या है? सीट मास्क जो है एक फेस शेप में कटा हुआ मटेरियल होता है, जो कि किसी भी फैब्रिक से या फिर कोई पेपर इसे बनाया हुआ होता है। और वो बहुत ही न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन में डिप किया होता है, जिसको सीरम बोलते हैं। वो सीरम जो है वो बहुत टाइप का होता है, जिसमें लेमन, एलोवेरा, ऑरेंज, बहुत टाइप के सीट मास्क अवेलेबल है मार्केट में। और आप चाहें तो सीट मास्क को घर में भी बना सकते हैं। उसे बनाना बहुत ही ईजी है। बट मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी फेसशॉप रियल नेचर का सीट मास्क, और ये लेमन साइट्रम का है। सीट मास्क जो है बहुत ही अच्छा होता है, उससे आपके फेस पे एक नेचुरल ग्लो आ जाता है। और किसी भी सीट मास्क को आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, उसे रीयूज नहीं किया जाता है। तो ये फेस मास्क आप देख सकते हैं, ये है रियल नेचर का फेसशॉप लेमन साइट्रम फेस मास्क। और इसमें आपको बहुत सारे वैरायटी मिलते हैं, जैसे इसमें एलोवेरा आता है, पोमेग्रेनेट, फिर ब्लूबेरी, बहुत सारे आते हैं। बट आज मैं आपके साथ लेमन वाला यूज करके दिखाऊंगी, और इसे किस तरह से आप अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपके शेयर करूंगी। इसमें जो है लेमन एक्सट्रैक्ट है, जो कि आपकी स्किन को ब्राइट करता है और जो आपके डार्क स्पॉट है उसे भी रिड्यूस करता है। और इसका जो वेट है वो है 20 ग्राम, और इसकी प्राइस है 100। इस सीट मास्क का जो एक्सपायरी है वो आप इसे 2 to 3 years के लिए यूज कर सकते हैं। बट ये एक ही बार यूज होता है, रीयूज तो कर नहीं सकते हैं। बट आप इसे 3 साल तक रख सकते हैं। लिखा हुआ है कि इसमें जो लेमन एक्सट्रैक्ट है वो आपके डल स्किन को ब्राइट करता है और एक रेडियंट लुक देता है। और इस सीट मास्क में, क्योंकि ये रियल नेचर का है तो बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई भी पैराबेन या फिर मिनरल ऑयल, टार, ग्लाइकॉल कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपके स्किन के लिए बैड हो। और इसे किस तरह से यूज करना है वो भी इस पे लिखा हुआ है। लेकिन जब भी आप कोई भी सीट मास्क को यूज करते हैं तो आपको आपका फेस हमेशा क्लीन करना है। आप फेस वॉश से अपना फेस क्लीन कर लीजिए। अगर आपके फेस पे बहुत डेड स्किन सेल्स हैं तो उसे आप रिमूव कर लीजिए, लाइक स्क्रब कर लीजिए। उसके बाद टोनर अप्लाई कीजिए, देन ये जो मास्क है इसे आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ इसे किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है, आप फेस वॉश कर लीजिए। उसके बाद हमें टोनर अप्लाई करना है। उसके लिए मैं रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। उसे आप किसी भी कॉटन पैड पे या फिर कोई भी टिश्यू पे लेके अपने फेस को अच्छी तरह से वाइप कर लीजिए, जिससे जो भी डर्ट होगा वो हट जाए। फिर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रोज़ वाटर लेकर अपने फेस पर अच्छी तरह से टैप कर लूँगी। अब इसे ड्राई होने दीजिए। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी ये सीट मास्क। इसे आपको अच्छी तरह से कट करना होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूशन में डीप रहता है, तो इसे अच्छी तरह से आपको निकालें और आप फेस शेप में अच्छी तरह से इसे लगा लें। इसे आपको बहुत ही अच्छी तरह से लगाना होता है, जिससे कि कोई भी एयर बबल्स जो है वो बीच में ना रहे, और जो आपका उसमें एक्स्ट्रा सीरम है उसे आप अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। और इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। अब 20 मिनट हो गया है, मैं इसे रिमूव कर रही हूँ, और इसे आप फेंक दीजिए क्योंकि उसका रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। और जो सीरम बचा आपके फेस पे उसे आप अच्छी तरह से अपने फेस में डैप कर लीजिए, जिससे कि वो सोक हो जाए। अब आप देख सकते हैं मेरे फेस पे लिटिल बिट ग्लो आ गया है। हे गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, फिर उसके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे।